हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं घुइयां की सब्जी बनाने जा रही हूं, जिसे मैंने बॉयल करके छील कर काट लिया है। चलिए शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस भी ऑन है। अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून, क्योंकि घुइयां की सब्जी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तेल गर्म हो चुका है, अब डालेंगे 1 चम्मच भरकर अजवाइन और चटकने देंगे। इसी के साथ डालेंगे हरी मिर्च, जो मैंने 3 हरी मिर्च को काट कर रखा है, और अब डालेंगे हींग। आधा चम्मच से कम डाला है हींग। ये हींग थोड़ा हल्का है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। अगर ज़्यादा अच्छा हींग हो तो आप 2 चुटकी ही हींग डालें, ज़्यादा ना डालें। डालेंगे घुइयां, इसको अच्छे से चलाएंगे। घुइयां की सब्जी में हींग और अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए, जिससे इसका जो बादीपन होता है वो कम हो जाता है। डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। ये आधा चम्मच है, उससे कम ही है, आधा चम्मच से नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और मिला देंगे मसालों को, इस तरह से सब्जी हमारे घर में सबको पसंद आती है। आपको भी पसंद आएगी, इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और झटपट बन जाती है। सुबह नाश्ता तैयार करना है तो ये झटपट सब्जी बन जाती है, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं आप। इसी के साथ डालेंगे 1 नींबू का रस, आप चाहें तो आमचूर पाउडर डाल दें। मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। दो मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, आधा चम्मच से कम है, और चला देंगे। फिर ढक देंगे 2 मिनट के लिए। सब्जी को बनते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी खोलकर देखेंगे, बिल्कुल तैयार हो गई है सब्जी। बीच बीच में मैंने चलाया था। चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को निकाल लेते हैं। लीजिए, झटपट घुइयां की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।